In this figure, AB is diameter. This is a circle, O is the center, diameter क्या होता है? जो center से pass करती है. So AB is the diameter with center O and CD is a chord. CD यहाँ पे chord आ रही है, that is equal to the radius. Radius के equal है CD. After that, AC and BD. AC और BD को extend किया गया है BD. This is the BD. And they meet at point, intersect at point E. And you have to find that AED, this angle, this is 60 degree. You have to show color. The angle AEB is 60. You have to show it. So, kya karenge? First thing, we have to draw the construction. Hum join karte hain. O. C और O D को ज्वाइन करते हैं, ठीक है? इन दोनों को ज्वाइन किया, ज्वाइन O C and O D, तो these are the radius. C D is equal to O C is equal to O D. We have given कि जो कोड है वो क्या रेडियस के इक्वल है और ओसी और ओडी क्या है सेंटर से सर्कल के ऊपर जहाँ पे पॉइंट आता है वो क्या होता है रेडियस होती है दीज आर इक्वल सो दिस ट्रायंगल सो देयरफॉर ट्रायंगल सी ओ डी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल अब ये ट्रायंगल क्या हो गया इक्विलेटरल हो गया इक्विलेटरल का ईच एंगल क्या होता है 60 का सो एंगल सी ओ डी ये हमारा एंगल क्या हो गया 60 डिग्री का एंगल सी ओ डी इज 60 क्लियर तो अब हमें ये पता है कि एंगल दिस वन ये एंगल जो है ए सी डी दिस एंगल दिस इज 90 डिग्री एंगल ए सी डी दिस इज सॉरी ए सी डी नहीं ए बी इज द डायमीटर ए सी डी हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे बी सी को ठीक है हम BC को ज्वाइन करते हैं सो हमारा ये एंगल ACB ACB दिस इज 90 डिग्री वाई एंगल इन सेमी सर्कल सो जहां पे हमने ज्वाइन OC एंड OB लिखा OD लिखा था उसके साथ हम ज्वाइन BCB लेंगे क्लियर तभी हमें ये AB डायमीटर है तभी है ए सी बी ये सेमी सर्कल में बना सर्कल एंगल है सो दिस इज 90 डिग्री अब ए सी बी 90 है सो बी सी ई ये तो बड़ा पूरा एंगल दिस वन बी सी ई ये पूरा एंगल क्या होगा 90 का एंगल है क्योंकि ये दोनों क्या बनते हैं स्ट्रेट लाइन बनती है इधर वाला एंगल 90 का है तो इधर वाला भी क्या होगा 180 माइनस 90 सो एंगल BCE this is equal to 180 minus angle ACB ठीक है लीनियर पेयर से ये फाइंड आउट किए सो 180 minus 90 दैट इज 90 BCE इज 90 डिग्री अब हमें एंगल E फाइंड आउट करना है अब हमारे पास ट्रायंगल क्या बन रही है ECB ये ट्रायंगल बन रही है ECB तो हमें ये सी एंगल पता चल गया अब अगर हमें ये वाला बी पता चल जाए एंगल सो मान लीजिए जो ई फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से अब ये जो बी है बी एंगल सी बी डी इससे बन रहा है जो बी एंगल है दिस वन ये डी से पास हो रहा है मीन्स ये आर्क हमारी सी और डी से एंगल सी बी डी बन रहा है सर्कल पर और सी ओ डी क्या बन रहा है सेंटर पे बन रहा है तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो सर्कल पे बने एंगल का क्या होता है डबल होता है ट्वाइस होता है बाई डिग्री थ्योरम सो एंगल सी ओ डी दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी बी डी बाय डिग्री थ्योरम कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कल सबट्रैक्टेड बाय द सेम आर्क तो सी ओ डी हमारा कितना है 60 डिग्री का दिस इज सी बी डी तो ये टू उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा सो हमारा एंगल सी बी डी
क्या बन गया, दैट इज 30 डिग्री। मीन्स हमें ये पता चल गया एंगल बी जो है वो कितना है 30 डिग्री। बी एंगल आ गया आपके पास इधर से, क्लियर। अब आपके पास ये ट्राइंगल बन रही है, एन ट्राइंगल बी सी ई। आपको ये सी एंगल भी पता है, बी सी ई सी भी पता है, एंगल बी सी ई प्लस एंगल दिस बी या सी बी ई, और जो हमें फाइंड आउट करना है ई, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने। बी सी ई हमारा है 90 का, ये है हमारा एंगल बी जो है वो 30 का, एंगल ई इज इक्वल टू तो 90 प्लस 30 120। सो 180 माइनस 120 दैट इज एंगल ई जो है हमारा कितना आ गया 60 डिग्री का। एंगल ई 60 मीन्स एंगल ए ई बी यही का है उसमें, सो दिस इंप्लाइज एंगल ए ई बी इज 60 डिग्री। क्लियर। मीन्स आपने ज्वाइन किया ओ सी एंड ओ बी को और बी सी को, सो एंड ओ सी ये सी ओ डी दिस ट्राइंगल, दिस इज इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल है, तीनों एंगल्स क्या होंगे 60 60 के होंगे। ये 60 है तो यहाँ पे सी डी के साथ सी ओ डी एंगल बन रहा है और सर्कल पे सी बी डी बन रहा है, तो ये सेंटर पे 60 है तो सर्कल पे क्या होगा इसका हाफ 30। और इधर से सी बी को जो हमने ज्वाइन किया तो एंगल ए सी बी ये एंगल पूरा क्या होगा 90 का, बिकॉज डायमीटर के साथ बन रहा है, सेमी सर्कल में होगा। सो इधर वाला ऊपर वाला बी सी ई ये एंगल 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री का आ गया। लीजिए फिर अब ट्राइंगल के हमें दो एंगल्स पता है, तीसरा हमने एंगल्स प्रॉपर्टी से फाइंड आउट किया। क्लियर।